can fly. Hey everyone, welcome to yet another video of Khel Tantra. दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कुछ बहुत ही एक्साइटिंग ट्रांसफर न्यूज के बारे में. दोस्तों इन दिनों ट्रांसफर मार्केट में ईस्ट बंगाल बहुत ज्यादा ही साइनिंग कर रहे हैं और मैं ईस्ट बंगाल के लिए पार्टिकुलरली एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के सब साइनिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट इन दिस वीडियो वी विल कीप आवर फोकस ऑन सम ऑफ द टॉप रेटेड साइनिंग इन दिस ट्रांसफर विंडो. दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहला नाम मुझे लेना पड़ेगा अल्वारो वास्कुएस के बारे में. दोस्तों अल्वारो वास्कुएस अपकमिंग सीजन में केरला ब्लास्टर्स एफसी के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे. बहुत ही क्वालिटी साइनिंग आप कह सकते हैं, टॉप क्लास के साइनिंग किया है केरला ब्लास्टर्स ने. दोस्तों ऑनगोइंग ट्रांसफर विंडो में केरला ब्लास्टर्स सही खेल रहे हैं. जी हाँ दोस्तों, अल्वारो वास्कुएस स्पेनिश फॉरवर्ड प्लेयर है जिन्होंने स्पेन के अंडर 21 अंडर 23 टीम के तरफ से फुटबॉल खेले थे. दोस्तों लालिगा में ताफे, इस्पानियोल, स्पोर्टिंग गिहोन जैसे क्लबों के तरफ से उन्होंने फुटबॉल खेले थे. तो यहाँ पे क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, काबिलियत की कोई कमी नहीं है और अपकमिंग सीजन में दोस्तों अल्वारो वास्कुएस इंडियन सुपर लीग के वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर होने वाले हैं. दोस्तों यहाँ पे स्ट्राइकर के मामले में मेरे मुताबिक केरला ब्लास्टर्स सभी ISL क्लबों से एक कदम आगे है क्योंकि अल्वारो वास्कुएस इज रियली ए टॉप क्वालिटी फॉरवर्ड. मूविंग हिट टू अनदर न्यूज और अपडेट आ रहे हैं ईस्ट बंगाल के तरफ से. दोस्तों इंडियन अंडर 17 टीम के फॉर्मर कैप्टन अमरजीत कियाम को ईस्ट बंगाल ने साइन कर लिया है और दोस्तों अब अमरजीत कियाम अपकमिंग सीजन में ईस्ट बंगाल के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे. अगर आप 2017 के इंडियन अंडर 17 वर्ल्ड कप टीम के बारे में बात करें तो अमरजीत कियाम उस टीम के कैप्टन थे और वो फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाला भारतीय फुटबॉल टीम के पहला कप्तान भी थे. तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है और अमरजीत कियाम अपकमिंग सीजन में ईस्ट बंगाल के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे. अगर अब उनके प्लेइंग पोजीशन के बारे में बात करें तो वो ज्यादातर एज ए सेंट्रल मिडफील्डर फुटबॉल खेलते हैं. अब अपकमिंग सीजन में अमरजीत कियाम ईस्ट बंगाल की तरफ से कैसे पेश आएंगे वो देखने लायक होगा. दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं हैदराबाद FC के तरफ से और हैदराबाद FC ने जेवियर सिवेरो को अपने टीम में शामिल कर लिया है. 23 साल के वो एक कंपेरेटिवली युवा फॉरवर्ड है. इससे पहले वो स्पेनिश सेकेंड डिवीजन लीग में फुटबॉल खेल चुके हैं. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मेनोलो मार्क्वेज रोका जो हैदराबाद FC के करंट हेड कोच थे वो 2016-17 सीजन में लास पामास के तरफ से काम कर रहे थे एज ए हेड कोच और उस समय पे जेवियर सिवेरो लास पामास के एक अहम हिस्सा थे. तो मेनोलो मार्क्वेज रोका के अंदर इससे पहले भी जेवियर सिवेरो खेल चुके हैं तो वो मैनेजर टू प्लेयर वाला कनेक्शन आई थिंक कहीं ना कहीं इस डील पे एक रोल प्ले किया है और अपकमिंग सीजन में जेवियर सिवेरो हैदराबाद FC के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे. अगर आप जेवियर सिवेरो की गोल स्कोरिंग एबिलिटीज के बारे में बात करें तो स्पेनिश सेकेंड डिविजन लीग में वो हैट्रिक डाल चुके हैं तो काबिलियत जेवियर सिवेरो में बहुत है. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हैदराबाद FC ने एक क्वालिटी प्लेयर को अपने टीम में शामिल कर लिया है. दोस्तों यहां पे अपडेट आ रहे हैं अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के तरफ से और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने निखिल डेका को अपकमिंग सीजन के लिए रिटेन कर लिया है. मतलब निखिल डेका अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ 2021-22 सीजन में फुटबॉल खेलेंगे. यहां पे दोस्तों अगर आप निखिल डेका के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो जहां तक मुझे मालूम है निखिल डेका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ 2024 तक जुड़े रहेंगे. बहुत ही युवा गोलकीपर है, बहुत ही टैलेंटेड गोलकीपर है निखिल डेका. बस निखिल डेका को अपॉर्चुनिटीज की दरकार है और अगर निखिल डेका को अपकमिंग सीजन में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे देन ही कैन डेफिनेटली प्रूव हिज पॉइंट इन इंडियन सुपर लीग. तो यहाँ पे दोस्तों निखिल डेका अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट मतलब FC के लिए कैसे पेश आएंगे वो देखने लायक होगा. जहां तक सेकेंड चॉइस गोलकीपर की सवाल है, यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मतलब FC ने संजीवन घोष को भी अपकमिंग सीजन के लिए रिटेन कर लिया है. 30 साल के एक बहुत ही अनुभवी गोलकीपर है संजीवन. इससे पहले चेन्नई FC, जमशेदपुर FC जैसे टीमों के तरफ से वो फुटबॉल खेल चुके हैं. अगर आप संजीवन घोष के कैरियर को एनालाइज करेंगे देन यू विल फाइंड संजीवन घोष ने अपने कैरियर में ज्यादातर एज ए सेकेंड चॉइस गोलकीपर खेले है. जी हाँ, उनको फर्स्ट टीम में ज्यादा चांसेस नहीं मिले है लेकिन यहाँ पे दोस्तों अपकमिंग सीजन में कुछ भी हो सकते है. इट ऑल डिपेंड्स अपन खालिद जामिल. मेरे मुताबिक खालिद जामिल सुभाषिस रॉय चौधरी को एज ए नंबर
number one goalkeeper khilayenge. And if you talk about the second choice goalkeeper, he has to be Sanjeevan Ghosh. Aur yahan pe jahan tak Nikhil Deka ki sawal hai, Nikhil Deka may play the role of a third choice goalkeeper in the upcoming season. Dosto yahan pe goalkeeping department mein kuch quality goalkeepers ko North East United FC ne include kiya hai. To upcoming season mein kya goalkeepers North East United FC ko ek se barkar ek save karke jeet dila payenge, wo aane wale samay mein dekhne layak hoga. Isi ke sath dosto is video mein filhal ke liye itna hi. Milte hain agle video mein. Until then, stay safe, stay healthy.